व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे और मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और फिट फाट हूँ। और आज का व्लॉग कुछ खास नहीं है, बस घर की रूटीन है। मैं लोगों ने कहा एक्टिविटी शेयर करें और मैं करने लगी थी नाश्ता, क्योंकि मेरी तबीयत कल रात से ना बिल्कुल सही नहीं है और फीवर भी हल्का हल्का हो रहा है और वैसे भी थोड़ी ना अजीब सी कैफियत हो रही है मुझे। और यहाँ पर कामरन करवा रहे थे मेरी थोड़ी हेल्प, काम में हेल्प करवा रहे थे कामरन ने। अभी अभी आलू फ्राई, ये देखें, ये मैंने नाश्ता रखा है, ये देखें। बच्चे भी अभी अभी आए हैं स्कूल से, ये बैग रखा है और मुँह धोने गए हैं। और ये देखें, ये मेरा नाश्ता रखा हुआ है। अभी मैं करने लगी थी क्योंकि सुबह से बिल्कुल दिल नहीं था चारा और मछली बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं खाया। और आप लोग दुआ करें कि मेरी तबीयत थोड़ी सही हो जाए, क्योंकि बहुत अजीब सा लग रहा है, हल्का सा बुखार, तबीयत अच्छी नहीं लग रही तबीयत, इसलिए मैंने कहा व्लॉग स्टार्ट करूँ, व्लॉग तो बनाना है। तो यहाँ पर बच्चे भी आ गए हैं, बच्चों से मैं आप लोगों को मिलवाती हूँ। बना रहा है पराठे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। गैस नहीं, हमारी बड़ा मसला है। मेरी बेगम की भाई तबीयत सही नहीं थी तो मैंने बोला चलो आज नाश्ता काम वाम मैं ही कर देता हूँ। काम नहीं किया, काम मैंने किया, आपने बस ये है कि नाश्ता बना रहे, क्योंकि ये बनाते रहते हैं अक्सर, तो इसलिए ये बना रहे हैं। इतना भी नहीं बोलो, फिर लोग बोलेंगे पता नहीं। नहीं क्यों लोग बोलेंगे, जब वाइफ की तबीयत सही नहीं है तो गहरी बात है, बेगम की तबीयत सही ना है तो बंदे ने तो हेल्प करनी है ना। ये बर्तन भी मैंने धोए सारे ये वाले बर्तन, क्या किया मैंने धोए क्यों? और ये देखो पराठा, देखो मैंने कैसा बनाया है, गोल मटोल पराठा बनाया मैंने। और यहाँ पर काम, मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है और मेरे ना बहुत ज्यादा जो है ना, और यहाँ कुछ कहना चाह रहे हैं काम में। हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरी बेगम की ना तबीयत बड़ी थोड़ी सी खराब थी तो मैंने जो है ना, मैंने बोला चलो यार बच्चे स्कूल से आने वाले, नाश्ता आश्ता बच्चों के लिए बनाते, तो मैं इसको कहती बाहर से ले आते, कहते नहीं मैं बना लेना, बाहर से लाना आजकल कोई खाला जी का वाड़ा थोड़ी है, बाहर से लेके आएंगे वही 500-600 रुपए लगाएंगे और पेट भर के बच्चे खाना भी नहीं खाएंगे। हाँ सही कह रहे हैं, मैं कह रही थी घर पे जो है ना, ये है कि घर पे कम से कम हम घर पे बनाएंगे। और ये देखो मैंने आलू की भजिया बनाई है। और ये बात है कि बात ये है कि मेरे हस्बैंड जी बहुत अच्छे हैं, बड़ा ख्याल करते हैं मेरा, तो मुझे कह रहा था तुम व्लॉग तो बना सकते हो, मेरा कम से कम व्लॉग तो बनाओ। मैंने बोला आप व्लॉग बनाओ इतनी देर, जब तक मैं नाश्ता बनाता हूँ आप व्लॉग बना लो, इतनी देर में क्या हो जाएगा। आटा, ये आटा वगैरह वैसे ये मैंने ही गूंद के दिया था, आटा मुझे गूंदना नहीं ना आता, इसलिए मैंने आप आटा गूंद के दो मुझे। हाँ वो मेरे तो आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करनी है, मैं ठीक हो जाऊँ। सही कह रही हूँ। हाँ जी जी, बन गया बन गया तो सुई ला, चलो सही, बहुत जबरदस्त। क्या रोटी बनाई है दादू? तो रोटी हम बनाता हूँ, मेरी मम्मा ने मुझे सिखाई है खाना बनाना। किसकी मम्मा ने? आपकी मम्मा ने? हाँ। अच्छा, ये देखो हमारी गैस नहीं आ रही और हमें बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है, पता है आप लोगों को? सही हो गई। हाँ। मैंने कहा बर्फ मंगवाई जी, कमी बर्फ मंगवाई? नहीं मैंने नहीं मंगवाई। यहाँ पर गुग्गू भी आई है, अभी अभी आई है। ठीक ठाक है भाई, गुग्गू आई है अभी अभी स्कूल से आई है और यहाँ दुआ से मिले हैं। दुआ अभी अभी आई है, आज जुम्मे, छुट्टी जल्दी हो गई है बच्चों की स्कूल से। और पीछे थोड़ा कमरा बिखरा हुआ है, अभी मैं समेटती हूँ, लेकिन मैंने नहीं समेटा सीरियसली, आज कामरन ने सारा काम किया, ये हकीकत बात है भाई। तो ये देखें यहाँ पर हमारा थोड़ा बिखरा वगैरह, अभी उठाते हैं ये सामान वगैरह। और यहाँ पर देखो ये मैंने अपने लिए गुग्गू रखा था नाश्ता, चलो चलो कर लो, कोई बात नहीं, करो करो भाई। और यहाँ पर थोड़ा कमरा जो है ना हमारा जो है ना फैला हुआ है कमरा, ये देखें थोड़ा सा फैला हुआ है कमरा, अभी अभी सेट करते हैं, सफाई करते हैं थोड़ा सा, ये देखें। दानियल कहाँ है? बर्फ लेने गया। और गुग्गू क्या प्रे कर रही हो? भाई माँ सदके। तो कामरन कह रहा है कम से कम आप व्लॉग बनाएं। और ये देखो चादर भी हटाई, अभी अभी आज हम अपने दिखा रहे हैं घर का, वो थोड़ा जो घर की रूटीन जैसे रियल है ना, थोड़ा सा गंद वगैरह डला हुआ है तो इसलिए घर का व्लॉग बना रहे हैं। और अभी यहाँ पे देखो चादर भी नहीं है अभी तक बिछाई, ये चादर रखी हुई है कामरा ने, ये चादर रखी है, अभी हम बिछाते हैं। और वैसे दुआ आ गई, अभी दुआ कर लेगी, सफाई दुआ सफाई कर देना बेटा, सही है। अभी इधर देखो बेटा बोलो। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, चले ये बस थोड़े से बिस्तर वगैरह तय करनी, ये चादर हटाई है अभी हम लोगों ने, लेकिन हमारा ये हमारा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा है वैसे समा। अभी बोलो क्या हुआ?
कुछ बोलना चाहते हैं आप बोल दें। वो मैंने मम्मा को कह रही कि मम्मा जी आप सफाई नहीं करें मैं कर देती हूँ, मम्मा का पाँव भी नहीं सही ना। हाँ पाँव में ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और चला भी नहीं जा रहा, मैं थोड़ा मुश्किल से, मैंने कहा व्लॉग बना दूँ और दुआ भी आ गई है, दुआ कर देगी सफाई घर की और पापा इस लड़के ने नाश्ता और मैं अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी। मैं डांस करने लगूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, ओहो गाने लगा दी रो, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं। और यहां पर शहजाद ओए या ओए कमर दिखाओ, मैं कमर झुमका लगा, हां हां ओए तू बेचा गई दादी अम्मा हाय अल्लाह ओए या ओए 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 ओए। और यहाँ पर शहजाद कर रहा है थोड़ा डांस वगैरह। और भाई शाज़ ये कैसे हैं तब? ये मेरे हाथ देख लो, ये मैंने पहले लगाए, बाजी शाज़ बाजी बाजी की बेटी मारिया तो ये देखो और खाना बना लिया प्लास्टिक सर्जरी करवाने लगे क्यों? हम लोग कराने लगे, इसका मत्था छोटा कराएंगे, नाक लंबा, मेरा मुंह सही है क्या? कोई नहीं, खुदावंद का शुक्र इतनी प्यारी तो है। और भी आपकी तबीयत कैसी है? जो मुझसे प्यार करते हैं वो मुझे ऐसे ही देखते हैं। नहीं आप प्यारी हो भाई, किसने बोला आपको? बोलने का शुक्र है खुदा का, जो खुदा ने बनाया हमें। मैं सवेरा की तो ये बहुत फ्री होता है गोपाल शहजाद हमारा सुलेमान से। हाँ सुलेमान अस्सलाम वालेकुम, आप कैसे हैं? आपकी उम्मीद से मैं भी ठीक हूँ और मेरी उम्मीद से आप भी ठीक होंगे। और बोलो सुलेमान कैसे हो? अच्छा जी, तुम कल लिए मिशन लोग जो अकेले में रायता भी था खिला के खा के अच्छा तो इस बात से मेरे को हुआ बहुत दुख, क्योंकि हमारी खाला और हमारे मामू और जो हमारी मामी है ये हम लोगों के साथ ऐसे ही रहते हैं जैसे हमारी अम्मी अबू रहते हैं, हर चीज में हमारे साथ अच्छे रहते हैं। कुछ खाना बनाया हो तो हमारे लिए स्पेशल लेके आते हैं, अगर कभी चले जाएं तो हमारे लिए चाय समोसे बना लेते हैं। तो मेरे को तो कल का इस बात में बहुत दुख लगा है। नहीं सुलेमान मजाक कर रहा है। अभी आप इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? मैं इसकी बातों पर तवज्जो नहीं देती क्योंकि ये आप बुरा क्यों मारी, आपके साथ मजाक कर रहा है भाई, मजाक कर लेते हैं वो हंस रहा है। कोई ना मुझे इसकी बात में इसकी बात इग्नोर करते, मुझसे ऐसे कोई लेना। लेकिन इनको ये नहीं ना पता किसी को ऐसे के मामू खाला लोग मामी लोग नहीं मिलती है, उन्हें पता है हम जैसे हैं। तुम्हें नहीं पता तो तुम अपना काम क्या वाला लाइट खराब हो गई? मिशल मिशल हेलो तो बोल दो व्यूअर्स को। मिशल लगा रही हूँ लाइट, लगा रही हूँ लाइट नहीं जल रही। हाँ तो आपने ना बेटा तो ये वो भी मेरे को रशियन से मेरा एक दोस्त आ रहे, उसने मेरे को ला के दिया था, वो मेरे बोला सुलेमान ये ले रख तू अपने पास, तो ये भी अभी उसका बच्चा ही था बाकी।